Hello folks, welcome back to another video, and in today's video we have a new product. It's a NoiseFit Active Smartwatch, and I recently got this watch during this big Brilliant Day sale, and I got it pretty cheap. Usually sales are around 3,500 rupees, but मेरे को काफी सस्ता मिल गया अराउंड 2,500 के आसपास. तो आज की वीडियो हम लोग इसी को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन से फीचर्स हैं और क्या ये रियली वर्थ इट है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो वैसे मैं आपको बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ. तो इधर लिखे हैं नॉइस की ब्रांडिंग, इधर प्रोडक्ट नेम्स लिखे हुए हैं. मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा इतना पॉसिबल, फिर भी देखते हैं. जो स्पेक्स लिखी हुई है मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा स्पेक्स के बारे में. ऑब्वियसली कंपनी इंडियन है लेकिन ये बनी हुई चाइना में है, तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ा फर्क पड़ता है तो आप वो देख लीजिए. इधर मेन फीचर्स हाईलाइटेड है वो बात मैं आपको बताऊंगा. इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, अंदर फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग इंक्लूडेड है, तो अगर आप फीमेल है तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा वो चीज़ करना. और 5 AM वाटर एक्सटेंडेड, अगर आपको उसको करके स्विमिंग करनी हो तो वो भी कर सकते हैं. और इसका नॉइस फिट ऐप है तो आपको अगर वो डाउनलोड करना है तो इधर से QR कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं. तो चलिए बात तो काफी ज्यादा हो गई, उसको अनबॉक्स करते हैं. तो काफी इजीली ये इसको मेरे को सबसे बेस्ट बात लगता है डिजाइन काफी अच्छा है. जनरली आप देखो ना जो भी है नॉइस की खुद की बहुत सारी जैसे कलर फिट है, बाद में बोट की भी काफी सारी है. ये जनरली है ना एप्पल वॉच को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली एप्पल वॉच तो एक अलग लेवल पे है और ये अलग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है. ये ज्यादा यूनिक भी नहीं रहती है. मेरे को क्या जनरली जो सर्कुलर डायल्स है वो ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई कलर फिट लेने से अच्छा है दूसरे कोई बोट के लेने से अच्छा, जो जनरली यू नो अमीज फिट लेने से अच्छा जो स्क्वायर रहते हैं और एप्पल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. यू नो इट डजंट लुक ग्रेट एंड यूनिकनेस नहीं रहती है. इसका डिजाइन भी काफी अच्छा था, सर्कुलर था और यूनिक भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको ट्राई करके देखते हैं कैसे लेंगे. तो ऑब्वियसली नॉइस का काफी प्रोडक्ट यूज करते हैं. मैं इसका नॉइस का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था नॉइस शॉर्ट्स ईयरबड्स, जो उसका मैंने रिव्यू किया था, अगर आपको देखना है तो आई बटन पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली जाके चेक कीजिएगा. तो चलिए देखते हैं कंटेंट क्या क्या है इसके. तो ये जैसे आखिर से निकल गया है कि बाकी टैम्पलेट से इधर उसको खोल के देखते हैं क्या है. तो ऋषभ पंत इसको एंडोर्स कर रहे हैं, काफी सारे एक्टर्स हैं जैसे नोरा फतेही भी है जो करती है ईयरबड्स को, फिर बाद में वो अलग अलग चीजें हैं. तो ये यूजर मेन्यू गाइड है, अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, इसको साइड में रखूंगा थोड़ी देर के लिए. और ये इधर वॉच है काफी बढ़िया दिख रही है वॉच, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, लेकिन देखते हैं वॉच काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझे. और ये है हमारा पोगो पिन कनेक्टर, इससे आप जनरली चार्ज कर सकते हैं. इसकी बैटरी लाइफ ये लोग क्लेम करते हैं अराउंड 7 डेज चलेगी, तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई सारे फंक्शन ऑन करने के बाद हार्ट रेट SpO2 टेस्ट चालू करने के बाद वो कितने दिन चलती है, तो वो जनरली देखना पड़ेगा. पोगो पिन कनेक्टर है तो मतलब सबसे बेस्ट है, आप उसको टोटल कनेक्ट कीजिए हो जाएगा, आपको उसका पता होगा कैसे करना है. ये जनरली काफी अनबॉक्सिंग है, इसका रिव्यू जो इंटेल डायरेक्ट रिव्यू है वो मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, तो काफी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए. तो इधर इन लोग ने हाईलाइट किया हुआ है कुछ, लॉन्ग प्रेस द बॉटम बटन टू टर्न ऑन एंड मल्टी फंक्शन बटन, और फिर बाद में इसको अलग से वो भी बता रहे हैं प्लीज चार्ज इट टू एक्टिवेट द वॉच बिफोर यूजिंग. ऑलराइट, इसको निकाल देते हैं. इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो भाई सीरियसली प्रीमियम लग रही है ये, कोई भी अंदाज से 3-4 हज़ार की वॉच से ज्यादा ही महंगी लग रही है, 5 to 6 thousand की. अगर आप देखिए जिनकी जो कनेक्टर्स रहते हैं जिसको आप निकाल के चेंज कर सकते हैं, 5 to 6 thousand की वॉचेस में रहते हैं, जो अभी ये नॉइज इतने कम रेंज में प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है. तो बस अभी आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में क्या क्या, अगर आपको फिजिकल ओवरव्यू देना है तो ये एक स्क्रीन है, ये TFT स्क्रीन है, OLED नहीं है ऑब्वियसली, बस OLED नहीं मिल सकती. 2 बटन दिए हुए हैं और दबाने में काफी प्रीमियम लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि चीप क्वालिटी है. सिलिकॉन स्ट्रैप है, काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को, आपको उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. देखिए मैं आपको जो पहन के दिखाता हूँ, ये तो मैं भी फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ, देखते हैं कैसा है मतलब का एक्सपीरियंस साथ में. और मेरे ख्याल से तो ये काफी लाइट वेट लग रहा है मेरे को, लाइक नॉट हैवी नॉट लाइट, लेकिन सही है ये. थोड़ा स्ट्रैप क्वालिटी अच्छी हो सकती है, थोड़ा चीप और फ्लिमसी लग रहा है, लेकिन भाई दिखने में तो काफी बढ़िया दिख रही है. और मैंने देखा था 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस जो कह रहे थे कि भाई वॉच काफी बल्की है और काफी बड़ी है, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मैं जनरली जी शॉक यूज करता हूँ तो वो इतनी बड़ी नहीं लग रही थी उनको, तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक सही वॉच है. तो चलिए बस अनबॉक्सिंग के लिए नहीं था, मैं अभी सोचा कि इसको और डिटेल रिव्यू देने की कोशिश करूँ, मैं आपको ऐप बताऊँ, उसका पैरिंग प्रोसेस बताऊँ, तो लेकिन अभी नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम. मैं आपको चार्जर कनेक्ट करके बता देता हूँ, लेकिन एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा. मैं चार्जर कनेक्ट करके बताता हूँ आपको किस तरह से इजिली कनेक्ट हो जाएगा ये, तो वो अगर आपको देखना देख लीजिए ये है, और इधर से पोगो पिन, इधर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया ये.
इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई SPO2 और हार्ट रेट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आता है, तो वो अगर आपको एक चीज यूज करनी हो कोविड के टाइम में तो कर सकते हैं। मैं जनरली एडवाइस नहीं करूंगा, ज्यादा इनके ऊपर फोकस कीजिए, ऑक्सीमीटर लेके आइए, कुछ ज्यादा महंगा नहीं आता है वो, यू नो हेल्थ इज वेल्थ, तो वो एक चीज है। तो बस एक काफी सी क्विक अनबॉक्सिंग थी, ये देने की कोशिश करी मैंने आपको इसका। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैं ऑब्वियसली बनाने वाला हूँ इसका, लेकिन अभी तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो बस अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय।